नमस्कार, मैं मंगल सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल माइक कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं कि हिंदी टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं। हिंदी टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ने के 5 कारण हैं। ये 5 गलतियों को सुधार लेंगे अपन तो हिंदी टाइपिंग स्पीड जरूर बढ़ जाएगी 100%। तो 5 गलतियाँ कौन सी है जो अपन को सुधारना है ताकि अपनी हिंदी टाइपिंग बढ़ जाए, हिंदी टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ जाए। तो अपन देखते हैं वो 5 गलतियां कौन सी है। पहला आप लोग क्या सुधार करना है, हमेशा अपनी हथेली को ऐसे रखना है। अपनी जो हथेलियां होती है टाइपिंग करते समय हमेशा आपको ऊपर रखनी है। ज्यादा लोग क्या करते हैं, हमेशा नीचे रखते हैं और ज्यादा फिर टाइप करना पड़ता है तो यहाँ पे हथेलियां दर्द करने लग जाती है और इस वजह से अपने ध्यान भी भटकता है और अपनी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ती और अपने हाथ भी सही नहीं चल पाता है। तो हमेशा टाइपिंग करते समय ये आप इमेज देख सकते हो, हमेशा आपको हथेलियों को ऊपर ही रखना है ताकि आपके जल्दी से वर्ड टाइप हो। अगर हथेला नीचे रहेगी तो सही से वर्ड दिखेंगे नहीं कीबोर्ड के अंदर और टाइप भी नहीं होगा। तो हथेलियों को हमेशा ऊपर रखें और फिर टाइप करें ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड और बढ़ जाए। और अगर ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा आपको तो आपकी हथेला दर्द करने लग जाएगी यहाँ से, इसलिए और यहाँ पर रेड रेड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे रखने से रेड रेड हो जाता है यहाँ पे और हथेला दर्द करने लग जाती है। हमेशा हथेलियों को ऊपर रखना जरूर ताकि उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी जरूर। दूसरा जो अपन देखने वाला है, टाइपिंग करते समय कीबोर्ड को नहीं देखना। यदि आप शुरू शुरू में आप टाइप हिंदी टाइपिंग सीख रहे हो तो आप जरूर आप यहाँ पर हिंदी टाइपिंग करते समय आप देख सकते हो, लेकिन आपको लगेगा कि मेरे को यहाँ पर वर्ड याद हो चुके हैं, उसके बाद में आपको कीबोर्ड को बिल्कुल नहीं देखना है। कोशिश ये करनी है कि कीबोर्ड को बिना देखे ही टाइप करना है। कीबोर्ड को जब आप देखते रहोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। यदि आप कीबोर्ड को नहीं देखोगे और टाइप करने की कोशिश करोगे तो वो आपका हाथ भी जम जाएगा और आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। तीसरी जो अपन गलती करते हैं इसमें से अपनी हिंदी टाइपिंग नहीं बढ़ पाती है वो है स्पेस हमेशा राइट थंब से ही लगाएं। अब क्या करते हैं लोग बाग, हमेशा बहुत सारे कभी तो लेफ्ट थंब से स्पेस लगा देते हैं, कभी राइट थंब से लगा देते हैं और बहुत सी बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यहाँ पे मेरे को स्पेस लगाना किससे है। बहुत सी बार तो डबल स्पेस लगा देते हैं, दोनों थंब यूज कर लेते हैं तो डबल स्पेस लग जाता है। तो हमेशा राइट हैंड वाला जो है ये वाला ही थंब यूज करना है, राइट हैंड वाला हम, और इसी का हमें यूज आप यहाँ पे इसको रख सकते हो लेकिन इसका यूज नहीं करना है। शुरू से ही आपको राइट हैंड वाला ही यूज करना है। इससे क्या होगा, आपकी आदत पड़ जाएगी और हमेशा राइट हैंड से लगेगा तो इससे क्या होगा, डबल स्पेस लगने का भी चांसेस नहीं है और एक से लगेगा तो हमेशा आपको प्रैक्टिस भी रहेगी। इसलिए हमेशा स्पेस लगाना हो तो राइट थंब का ही यूज करें। चौथा जो हिंदी टाइपिंग इंक्रीज स्पीड इंक्रीज करने का तरीका जो है, कैप्स लॉक को हमेशा बंद ही रखें। हिंदी टाइपिंग करते समय हो या इंग्लिश टाइपिंग करते समय हमेशा आपको कैप्स लॉक को बंद ही रखना है। और यदि आपको वर्ड आपको लेना है तो शिफ्ट के साथ में आप ले सकते हो, कैपिटल वर्ड चाहिए तो आपको शिफ्ट के साथ में ले सकते हो। तो हमेशा हिंदी टाइपिंग करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कैप्स लॉक को बंद रखना है। अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर दोगे सारे वर्ड उल्टे हो जाएंगे और आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हमेशा कैप्स लॉक बंद करके ही फिर ही अपन को हिंदी टाइपिंग करनी है। यहाँ पर कैप्स लॉक लिखा हुआ है, इसकी लाइट यहाँ पर चलेगी, इसको हमेशा बंद करके ही अपन को हिंदी टाइपिंग करनी है। पांचवी जो अपन गलती करते हैं उसमें अपन को सुधार करना है ताकि अपनी हिंदी टाइपिंग की स्पीड और बढ़ जाए, बैक स्पेस की का उपयोग बिल्कुल भी न करें। बैक स्पेस की का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं लोग बाग, हिंदी टाइपिंग करो या इंग्लिश टाइपिंग करो उसमें हमेशा बैक स्पेस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। थोड़ा सा टाइप किया अगर गलती हो गई तो बैक स्पेस से हटा देंगे, फिर आपस थोड़ा टाइप किया फिर बैक स्पेस का यूज करेंगे। मैं आपको बता दूँ, यदि आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो टाइपिंग रिलेटेड और यदि आप बैक स्पेस का बार बार यूज कर रहे हो तो अभी से ही बंद कर दें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बैक स्पेस की होती नहीं है। ये जो बैक स्पेस की है वो निकाल दी जाती है वहां से या इसको बंद कर दी जाती है, बिल्कुल ये यूज में नहीं आती है। अब आपकी आदत पड़ी हुई बैक स्पेस हटाने की, जैसे आप टाइप करोगे और बैक स्पेस हटाने की कोशिश करोगे तो वो बैक स्पेस काम ही नहीं करेगा या बैक स्पेस की ही नहीं होगी यहाँ पे, तो फिर आपका ध्यान भटकेगा और आप उस पर ध्यान नहीं कर पाओगे और टाइपिंग आपकी स्पीड बिगड़ जाएगी वहाँ पे। तो शुरू से ही आपको ये करना है कि बैक स्पेस का बिल्कुल उपयोग नहीं करना। अगर टाइपिंग करते समय थोड़ी गलतियाँ हो रही है तो उसको सुधार करना है, लेकिन अपन को बार बार बैक स्पेस का यूज नहीं करना है। यहाँ पे बैक स्पेस बार बार यूज करोगे तो आप जब भी कंपटीशन में जाओगे तो आपको वहाँ पे बैक स्पेस की बहुत याद आएगी और फिर आपके टाइपिंग स्पीड वहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे और आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए शुरू से आपको ये याद रखना है कि बैक स्पेस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो अपने टॉप 5 जो गलतियाँ करते लोग बाग वो अपने देखी, अगर ये गलतियाँ अपन सुधार लें तो हिंदी टाइपिंग स्पीड जरूर आपकी 100% बढ़ जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।